गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बारा। और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर फ्लक्स एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फ्लक्स फील्ड। तो फ्लक्स के बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि फ्लक्स क्या होता है, कि जैसे हम लोग किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को लाइंस के द्वारा निरूपित करते हैं, शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर को जैसे आप लोग बल रेखाएं, जिनको हम फील्ड लाइंस कहते हैं, जिनको हम फ्लक्स लाइंस भी कहते हैं, के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। उन बल रेखाओं की दिशा जो होती है उसकी दिशा के लंबवत एक तल लिया जाता है, एक प्लेन लिया जाता है, जिसके अंदर से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या होती है, उन बल रेखाओं की संख्या उस प्लेन के क्षेत्रफल से आप उसको डिवाइड कर दो, यानी कि बल रेखाओं की संख्या पर यूनिट एरिया, वो क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक अनदर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मान लीजिए किसी नदी में पानी का प्रवाह है, जैसे किसी नदी में जैसे पानी का प्रवाह हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप एक आयताकार फ्रेम को लेकर के उस नदी के अंदर रखते हो, उसको किस तरीके से रखते हो कि जैसे पानी का जो फ्लो है उसी डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ये पानी का फ्लो है और फ्रेम को हमने ऐसे रख दिया उसके अंदर फ्लैट, तो जो कोई भी सरफेस होती है उसकी डायरेक्शन उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये सरफेस की डायरेक्शन है और ये पानी का प्रवाह है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब फ्रेम में से क्या है, मिनिमम पानी निकलेगा, ठीक है। ओके, और अगर मान लीजिए आप इसको कुछ इस तरीके से रखते हो, ये पानी का प्रवाह है और आपने फ्रेम को परपेंडिकुलर रख दिया, तो अब इसमें से गुजरने वाला पानी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और इस टाइम क्या होता है, जो सरफेस की डायरेक्शन है वो और पानी की डायरेक्शन दोनों सेम होती है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो इस टाइम क्या है, मैक्सिमम पानी निकलेगा। बाकी सभी जो कोई भी एंगल होगा उस पर मीडियम, इसके और इसके बीच के अवस्था होगी और उनमें मतलब उसके बीच की रेंज का पानी जो है उसमें से प्रवाहित होगा। तो पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उससे उसमें क्या होगा, पर सेकंड पर यूनिट एरिया में फ्रेम से जो पानी निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। और ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम के ओरिएंटेशन पे और उसके झुकाव पे, ठीक है, उसके झुकाव और उसके अभिविन्यास पर निर्भर करता है। तो जैसे निर्गत पानी जो है वो क्यू इज इक्वल टू वी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, वी जो है पानी का वेग है और ए वैक्टर जो है जो सरफेस की जो एरिया है उसकी डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू V वेक्टर डॉट A वेक्टर हो गया। इसी तरीके से, इसी जैसे पानी के एग्जांपल से हमने समझा है, उसी तरीके से हम लोग इसको बल रेखाओं के साथ भी समझ सकते हैं। तो जैसे बल रेखाएं, कोई भी वेक्टर फील्ड है उसको हम लोग बल रेखाओं के द्वारा शो करते हैं, तो उन बल रेखाओं को पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर एक काल्पनिक आप एरिया क्रिएट करो, और उस एरिया से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या पर यूनिट एरिया क्या कहलाएंगी, फ्लक्स कहलाएंगी। तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने कोई भी एरिया है उसको बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लिया है, तो हमने सबसे छोटा एलिमेंट जो है उससे निकलने वाला फ्लक्स देखा, तो विच इज़ इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी ए। डी ए तो क्या है, उस छोटे से एरिया का क्षेत्रफल है, और ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर उसका मतलब उसमें उसे जो बल रेखाएँ गुजर रही हैं उसका परिणामी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है, तो ए वेक्टर डॉट डी ए उस छोटे से लघु अल्पांश से गुजरने वाला क्या होगा, फ्लक्स। तो इस पूरे एरिया से निकलने वाला उन समस्त लघु अल्पांशों से गुजरने वाले फ्लक्स के जोड़ के बराबर, तो आप उसको समेशन कर दो। चूँकि सारे अल्पांश बहुत ही छोटे हैं, तो इस समेशन को आप समाकलन से भी प्रतिस्थापित कर सकते हो, यानी कि आप फ्लक्स को फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फॉर ऑल सरफेस ओवर द सरफेस ए वेक्टर डॉट डी ए, इस तरीके से भी लिख सकते हो।
उसके बाद है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। जब आपने फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया कि फ्लक्स क्या है, तो डाइवर्जेंस होता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि इसने लिखा हुआ है कि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह या फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए। तो इसने कहा था कि कोई भी आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला सरफेस, तो ये किसी न किसी वॉल्यूम, इसमें एक कंटेंट वॉल्यूम है। ठीक है, इस पूरे वी वॉल्यूम वाले इस बॉक्स से जितना फ्लक्स गुजरेगा वो जो होगा वो होगा ए वेक्टर डॉट डी ए फॉर क्लोज्ड सरफेस। ओके, और उसको पर यूनिट वॉल्यूम कर लें 1/dv, तो वो डाइवर्जेंस कहलाता है। इसने एस यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग इसको बॉक्स को स्टडी करेंगे, इससे गुजरने वाले फ्लक्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हर एक सरफेस के साथ इसको स्टडी करेंगे। मींस कि हम देखेंगे इस सरफेस से, इस सरफेस से, फिर इससे, इससे, फिर लेफ्ट और राइट वाली, आगे और पीछे वाली। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट सरफेस के हिसाब से इसको स्टडी करते हैं फ्लक्स को। तो फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो है एलिमेंट है वो बहुत स्मॉल है, टेंस टू जीरो है, तो वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ, उससे पहले जैसे ये इसने कहा है, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ये पृष्ठ समाकलन जिसमें आप ये गोल गोल घेरा लगा देते हो, ये क्या कहता है, कोई भी बंद पृष्ठ जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए। जैसे अगर आप कोई आयतन के लिए ले रहे हो, तो वो पृष्ठ जो है वो सारे सरफेस जो है वो बाउंड है। ठीक है, तो इसलिए ये बंद पृष्ठ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। ठीक है, अभी हमने फिजिकली पढ़ा कि सदिश क्षेत्र क्या है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि इसका क्या फिजिकल मीनिंग है इन वेक्टर फील्ड। तो अगर मान लीजिए जैसे हम लोग बात करते हैं किसी भी पानी के या द्रव के या नदी के प्रवाह पर, तो उस प्रवाह में किसी बिंदु पर अगर मान लीजिए द्रव का वेग जो है वो वी है, तो बिंदु पी पर अगर हम लोग कोई आयतन अल्पांश क्रिएट करें, तो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम उससे गुजरने वाले द्रव की मात्रा जो है वो डाइवर्जेंस को व्यक्त करती है। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि अगर मान लीजिए हम ये कहते कि उस बिंदु पर जो द्रव का वेग है वो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया जो है वो क्या कहलाता, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता। लेकिन यहाँ पे जैसे ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम की भी बात कर रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंस हो जाता है। जैसे ये हो गया ना, डाइवर्जेंस क्या हो गया, गुजरने वाला फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाता है, डाइवर्जेंस हो जाता है। डाइवर्जेंस जो है आप उसको उस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए जैसे डाइवर्जेंस जो है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। डाइवर्जेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। तो किस किस केस में ये क्या होगा, वो इस तरीके से है कि अगर मान लीजिए जो हमारा क्लोज्ड वॉल्यूम है या क्लोज्ड सरफेस है या जो बंद आयतन है हमारा, उससे फ्लक्स लाइंस जो है या फील्ड लाइंस जो हैं अगर बाहर निकल रही हो, तो उनको हम कहते हैं पॉजिटिव, उसका फ्लक्स होगा। ठीक है, फील्ड लाइंस जो है वो नेट फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो उसको हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स या धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर कोई सोर्स होगा, जो क्लोज्ड वॉल्यूम है उसके अंदर कोई सोर्स होगा फील्ड लाइंस का या पॉजिटिव चार्ज का, जिससे कि फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि प्लस क्यू चार्ज है, तो उसके लिए फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हुई होती है, तो ये एक सोर्स की तरह इसका धनात्मक डाइवर्जेंस होता है। तो अंदर क्यू चार्ज जो है वो एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। जैसे फाउंटेन वगैरह आपने देखे होंगे, तो फाउंटेन वगैरह में क्या होता है, पानी बाहर की तरफ निकलता है, तो ये अंदर क्या है, पानी का कोई सोर्स है, तो इसका क्या डाइवर्जेंस क्या होता है, धनात्मक होता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए जहाँ पर फील्ड लाइंस जो हैं वो अंदर की ओर समाहित हो रही हैं, जैसे कि नेगेटिव चार्ज में होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है,
तो जैसे सिंक में होता है, सिंक में क्या होता है, पानी सारा का सारा जो उसका सिंक का छेद है उस छेद के अंदर समाहित हो जाता है। तो वो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कुछ इसी तरीके से होता है कि फील्ड लाइंस जो हैं वो सिंक के अंदर चली जाती है, समा जाती है। ओके, अब जिसका डाइवर्जेंस ज़ीरो है उसका मतलब ये है कि अगर जो हमने वॉल्यूम लिया है उसमें जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर निकल रही हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो डाइवर्जेंस, यानी कि जितना पानी या जो लाइंस है एंटर हुई उतना ही वापस बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग ज़ीरो डाइवर्जेंस कहते हैं। ओके, तो डाइवर्जेंस जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। और ज़ीरो डाइवर्जेंस के लिए हम लोग, ज़ीरो डाइवर्जेंस जिनका होता है उनको हम लोग परिनालिकीय वेक्टर्स भी कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर्स भी कहते हैं। इनमें क्या होता है, बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। जैसे मैग्नेट वगैरह में होता है ना, पोल पे, जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो जहाँ पे क्या होता है, बल रेखाएं सिरे पर ऐसे गोल गोल, ठीक है, इस तरीके से होती है ना, तो एक सिरे से निकलती है और दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। तो सिरे पर इस तरीके से सोलेनोइडल फॉर्म जो होता है वो बनता है। तो इन्हें हम परिनालिकीय सदिश कहते हैं। इनका डाइवर्जेंस क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो बच्चों इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।